दिस क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया क्या है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू द शेप ऑफ सॉलिड कोन। ठीक है, तो एक स्फीयर को इसकी रेडियस आर है उसको मेल्ट करके अपन ने कोन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ऑफ हाइट आर एंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन, तो अपन को रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन फाइंड करना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाइट आर। ठीक है, तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही कोन का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, 4/3 πr³। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, तो अगर ये कोन है जिसकी रेडियस है बड़ा आर। ठीक है, बड़ा आर क्यों लिया है, क्योंकि इस छोटे आर और बड़े आर में अपन कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और हाइट कितनी है, छोटा आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 π बड़ा आर स्क्वायर आर। ठीक है, तो पाई से पाई दोनों साइड चला जाएगा, 1 आर से यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 3 से 3 चला जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 r² तो यहाँ से बड़े आर की वैल्यू आ गई 2 r। ठीक है, सो r इज इक्वल टू 2 r इज आर रिक्वायर्ड आंसर। तो अपना रेडियस ऑफ कोन आ गया 2 r।